पूर्णागिरी माता दर्शन के बाद मैं निकल गया सीधा सिद्ध बाबा मंदिर नेपाल के लिए। इस वीडियो में मैं सिद्ध बाबा मंदिर से रिलेटेड हर एक जानकारी कवर करूंगा, जैसे कैसे जाना है, किराया कितना है, क्या अब इंडिया नेपाल बॉर्डर खुल गया है, क्या नेपाल में जाने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, सिद्ध बाबा मंदिर पूरी कहानी, क्यों पूर्णागिरी माता दर्शन के बाद सिद्ध बाबा मंदिर दर्शन के लिए आना पड़ता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में कवर रहेगा। मैं शारदा रिवर डैम तक पूर्णागिरी से डायरेक्ट आया हूँ। टनकपुर से इस डैम तक की दूरी 3 किलोमीटर है। अगर आप चाहे तो ई रिक्शा करके भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। 20 रुपए का किराया लगेगा। ब्रिज का एक साइड इंडिया है तो दूसरे साइड नेपाल है। ब्रिज के ऊपर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा अवेलेबल नहीं है। जैसे आप ब्रिज पार करके नेपाल पहुंचेंगे, वहां से आप अगर चाहे तो बाइक हायर कर सकते हैं। ज्यादा डिस्टेंस नहीं है तो मेरा सजेशन रहेगा आप पैदल ही जाएं। ये जगह टनकपुर का पावर स्टेशन है। यहां पे बिजली का उत्सर्जन किया जाता है। आप अगर चाहे तो यहां पे थोड़ी देर रुककर इस नदी को निहार सकते हैं। आगे से हम लेफ्ट लेके 475 मीटर के इस पुल को पार करेंगे। पुल पार करते ही हमारे सामने नेपाल होगा। नेपाल पहुंचते ही आपका एक सिक्योरिटी चेक होगा, उसी के बाद आपको अंदर जाने का परमिशन मिलेगा। यहाँ पे हमसे कोई आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं मांगा गया। पुल पार करके फिर से हमें लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेने के बाद इस तरह का एक रोड होगा, इससे हमें चलते जाना है। आगे बढ़ने के बाद मंदिर के लिए दो रोड कट जाएगा, एक नीचे से और एक बांध के ऊपर से। आप किधर से भी जा सकते हैं। फिर इस तरह का एक बोर्ड दिखेगा जहाँ से ब्रह्मदेव तक की दूरी 250 मीटर है। 250 मीटर चलने के बाद आप ब्रह्मदेव पहुँचेंगे। यहाँ से लगभग और 250 मीटर आप आगे चलेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में थोड़ा अंदर जाके मंदिर मिल जाएगा। कहा जाता है कि बाबा सिद्धनाथ देवी पूर्णागिरी के भक्त थे, जो हर रोज देवी के दर्शन के लिए दरबार में हाजिरी लगाने जाया करते थे। मान्यता है कि एक दिन देवी पूर्णागिरी अपने शयन कक्ष में श्रृंगार कर रही थी कि इसी बीच अचानक बाबा सिद्धनाथ देवी के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए, जिससे क्रोधित होकर देवी ने बाबा के शरीर के टुकड़े कर हवा में उछाल दिया। जब देवी को पता लगा कि शयन कक्ष में प्रवेश करने वाला और कोई नहीं उन्हीं का एक भक्त है, तो देवी को पछतावा हुआ। तब देवी ने बाबा को वरदान दिया कि मेरे दर्शन के बाद बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करने से ही श्रद्धालुओं का यात्रा और मनोकामनाएं पूरी होगी। कहा जाता है बाबा सिद्धनाथ के शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे वहां अलग अलग रूप से उनके मंदिर स्थापित हुए। पूर्णागिरी मंदिर से सबसे नजदीक में जो टुकड़ा गिरा था वो नेपाल के ब्रह्मदेव नामक स्थान पर गिरा था। पूर्णागिरी मंदिर से ज्यादा नजदीक होने की वजह से ज्यादातर श्रद्धालु इसी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है बाबा सिद्धनाथ का मूल मंदिर नेपाल के खल्ला नामक स्थान पर स्थित है। रास्ता काफी दुर्गम होने की वजह से वहां बहुत कम ही श्रद्धालु जा पाते हैं। बाबा सिद्धनाथ मंदिर प्रांगण में आप एक शिव जी का मंदिर देख पाएंगे, एक विष्णु जी का मंदिर देख पाएंगे और स्वयं सिद्ध बाबा का मंदिर देख पाएंगे। सिद्ध बाबा का मेन मंदिर बरगद के पेड़ के नीचे है। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में आप एक प्राचीन कुआं भी देख पाएंगे। कॉमेंट सेक्शन में एक बार जयकारा जरूर लगाएं। जय सिद्ध बाबा, जय माता दी। मंदिर प्रांगण में एंट्री करते ही सबसे पहले आपके सामने विष्णु मंदिर ही आपको दिखेगा।
मंदिर प्रांगण से बाहर आते ही आप बहुत बड़ा मार्केट बाहर देख पाएंगे। ज्यादातर दुकानें लेडीज वियर से रिलेटेड था। अगर आपको नेपाली खाने का स्वाद लेना है तो यहाँ पे बहुत सारे ढाबे और होटल्स आपको मिल जाएंगे। इनमें आपको नेपाली और इंडियंस दोनों तरह के खाने मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे नेपाली पैसा भी देखा, जिसके एक तरफ याक का फोटो प्रिंटेड था तो दूसरी तरफ सिद्ध बाबा का मंदिर प्रिंटेड था। मंदिर से जब डैम के लिए आप वापिस आएंगे तो डैम के ऊपर से जो रास्ता है उसी से चले। यहाँ से आपको 34 कपाटों वाला ब्रिज और बहुत ही खूबसूरत सा एक नज़ारा देख पाएंगे। गाइस, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी या फिर कोई भी सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जनकपुर से मैंने 6:25 वाला ट्रेन पकड़ा है। अभी इसी ट्रेन से मैं मजूरा जा रहा हूँ और मजूरा से थोड़ा ही दूर मेरा घर है, वहाँ से मैं ई रिक्शा वगैरह कर लूँगा। तो आज का जर्नी बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ में लेकर आता रहता हूँ अपने चैनल पर। 1901 में स्वामी विवेकानंद एक किराने की दुकान पे रुके थे। अगर आप चाहे तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। जनकपुर से रिलेटेड हर एक टूरिस्ट प्लेस मेरे चैनल पे कवर रहेगा, तो चैनल से कनेक्टेड जरूर रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।